गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के 5 Shares 300 Days में। आज के मैं आपको 5 जो शेयर में आपके मेरे रिकमेंडेशन है, इसमें आप देखेंगे तो कुछ मैंने बाय भी किए हैं और भी एक्स्ट्रा है, लेकिन मेरे जो 5 रिकमेंडेशन है वो पहला है ONGC, HDFC बैंक, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस एंड इन्फी एंड टाटा स्टील लॉन्ग। सो अगर आप इन सब में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ये 5 में इन्वेस्ट कर दीजिए आज के टाइम हिसाब से, और आपको 300 डेज में 20% तक अप्रोक्सीमेटली आप बना लोगे मिनिमम। कल जैसे मैंने दीपक नाइट्रेट का किया था, आज मैंने उसको बेच भी दिया, मेरा उसमें 5% बना मैंने बेच दिया, और मतलब कुछ रखा है मैंने उसको वापस मैं कर दूंगा। तो कल अगर आपने दीपक नाइट्रेट लिया होगा मेरे रिकमेंडेशन पे, सो विद इन वन डे आपको 5% का मिल गया है फायदा, तो आप चाहें तो आप उसको ले सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप उसको निकाल सकते हैं। तो मैंने उसमें जैसे पहले ही बोला था कि 10-15% रखूंगा, बट मैंने आज मुझे ये बाई करने के लिए मुझे कुछ कैश अमाउंट चाहिए था, तो मैंने दीपक नाइट्रेट को निकाल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आगे। उससे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि पैसा आपका होता है, तो अगर कुछ भी आप बाई करते हैं, कुछ भी कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो पहले आप खुद की भी एनालिसिस कीजिए, आप अपना खुद का टाइम भी दीजिए उसको समझने के लिए, उसको आगे करने के लिए। किसी की भी रिकमेंडेशन पे आंख बंद करके विश्वास ना करें, या फिर विश्वास तभी करें जब आपको 100% चीजें फायदेमंद लगें तभी। जैसे अभी मैं 5 शेयर्स आपको देता रहता हूँ, आप अभी मैं एक्सेल शीट भी बनाता हूँ, इसको दिखाता रहता हूँ, लेकिन मैं वो शो नहीं करना चाहता। अगर आप चाहते हैं कि मेरे शेयर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे पुराने वीडियोस पे जाइए, कोई भी वीडियो उठाइए, उन शेयर्स को आज के कंपेरिजन में देख लीजिए कि वो 10-15% दिया है कि नहीं दिया है उन्होंने, बीच में आराम से पहुंचे होंगे वो। हर शेयर मेरे पहुंचे हैं, दीपक कंटेनर एक ही दिन में 5% पहुंच रहा है, HDFC बैंक, टाटा, आइडिया, ये सब मैं बीच बीच में रिकमेंड करते रहता हूँ। तो आज के शेयर मैं फिर से चालू करता हूँ, ONGC, HDFC बैंक, इंडिया बुल्स हाउसिंग, इन्फी एंड टाटा है। तो आज हम ONGC पे जाते हैं, ONGC में कंटिन्यू खरीद रहा हूँ। आज जैसे मैंने 5 खरीदा, इससे पहले भी मेरे पास इसके काफी स्टॉक है जो कंटिन्यू, अगर मैं देखूँ तो पिछले 1-2 महीने से ये कंटिन्यू बाई ऑप्शन में आ रहा है मेरे। मैंने 1-2 बार और भी पहले खरीदे हैं आपके सामने, और जो वीडियो में खरीदे हैं वो है ही, लेकिन वीडियो के बाहर भी जब वो डाउन गया है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मान लीजिए आपने 100 रुपए में शेयर खरीदा है कोई, वो शेयर अच्छा है, वो स्टॉक, वो कंपनी अच्छी है, तो आप उसको उसको वापस बाय कर सकते हैं। अगर वो 90 पे जाता है, तो मान लो 100 का शेयर है, 90 पे जाता है, तो आप वापस उसको बाय कर सकते हैं। सेम चीज मैंने पिछले 1 महीने में, मैं बोलूंगा कि मई और जून में ONGC और रिलायंस, ये 2 स्टॉक ऐसे हैं, और आइडिया लेकिन थोड़ा पेनी में है तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ONGC और रिलायंस हमेशा बाय ऑप्शन में मेरे आते रहे हैं, तो आप इन दोनों को चेक कीजिए, और रिलायंस भी कई बार आया है, कई बार मैंने उसको बेच भी दिया है। सो वो भी अच्छा है कि मैं मतलब 2-3 बार उसमें मतलब अपना प्रॉफिट बना के मैंने उसको बेचा भी है, और हर बार उसको ऐड भी करता रहता हूँ। आज रिलायंस नहीं, हो सकता कल या परसों में आपको वापस, कल या फिर मंडे को आपको रिलायंस दिख भी जाए, 90% चांसेस है कि कल मैं रिलायंस बाई करूंगा। डिपेंड्स की मार्केट कल कैसा परफॉर्म करता है। कल US का मार्केट भी अप था, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, करीबन मेरा जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट है US मार्केट में वो 2% के करीब कल इंक्रीज हुआ, तो दैट इज अ गुड पार्ट। तो US मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो InMoney करके ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डायरेक्टली INR में आप पैसा डाल सकते हैं, और वहां पे वो कन्वर्ट करके डॉलर में कर देता है। और US स्टॉक मार्केट का सबसे अच्छी बात है कि आप पार्शियल खरीद सकते हैं शेयर। मान लो रिलायंस का शेयर 2000 का 3000 का है, तो आपको 2000 नहीं डालना है, आप चाहो तो 20 रुपए का भी शेयर खरीद सकते हो रिलायंस का, तो वो पार्शियल दे देते हैं, पॉइंट वाइज आपको दे देते हैं। तो आप अगर वो चेक करना चाहते हो तो आप InMoney करके ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज हम चलते हैं ONGC पे। ONGC को आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं एज पर Zerodha, जो इनका एनालिसिस के हिसाब से होता है, इनके लोग क्या बोल रहे हैं, इनकी जो लिंक है उसके हिसाब से, यानी टिकर टेप कैसे बोल रहा है। बस यही कहना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं कि ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, जो 159 है, आज के दिन में 1.5% की करीब, मतलब 1% करीब डाउन है। अब मैं 1 वीक का एनालिसिस देखता हूँ, डाउन है, 8% डाउन है। 1 महीने का देखता हूँ, 1% डाउन है। लेकिन अगर आप 1 वीक से कंपेयर करेंगे तो ये कंटिन्यू डाउन गया है, और यहाँ पे ये डाउन आने के बाद इसका जैसे 151 पे है, अगर आप लास्ट देखेंगे तो 141 तक ये डाउन गया था, उसके बाद ही उठा था, तो ये अभी भी डाउन जा रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम पे खरीद लेने का। अगर साल भर का देखेंगे तो इन्होंने साल भर में 20% रिटर्न दिया है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आराम से हम लोग 15-20% बना सकते हैं किसी भी शेयर में, अगर वो स्टॉक अच्छे हैं तो। 5 साल की परफॉर्मेंस पे जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको दिखा देता हूँ, 5 साल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म लोग बोलते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मतलब ये नहीं होता कि आप 5 साल के रख के भूल गए,
आप स्टॉक को ऑब्जर्व करते रहिए, लॉन्ग टर्म में खरीदिए आप उसको, लेकिन आपका परसेंटेज डिफाइन कीजिए कि आपको कितने परसेंटेज पे उसको बेचना है। जैसे दीपक कंटेनर मैंने कल 10 से 15 बोला था, आपको रिकमेंड किया था, बट आज मुझे पैसे की जरूरत थी तो मैंने उसको 5% प्रॉफिट बेच दिया, क्योंकि मुझे 5% तो मिनिमम चाहिए ना, मेरा पैसा मिल गया, अभी उसको मैं यहाँ पे ONGC में डाल दे रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, उसी पैसे को। अब ONGC कल परसों में मुझे 5% बना दिया तो मेरा तो 10% बन जाएगा ना। तो ये चीज है। अब फोरकास्ट में देख लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग देखिए 83%, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बहुत होता है कि आप जब कभी 83% देखें तो आप देखिए कितने एनालिस्ट यानी जिनका 100% डेडिकेटेड काम ही इसमें है वो लेना, तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे जा रहा है। साथ में अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सब चीजें ग्रीन है, फाइनेंशियल वो आपका काम है, मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। पीर्स यार सब अब क्या बोला जाए, एशियन एनर्जी सर्विसेज, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्रेशन, ऑयल इंडिया, आप इनकी पीस में बात ही मत करो, ये सब बढ़िया पीस हैं। और डिविडेंड देखोगे 6% करीब डिविडेंड देता है, तो अगर ये स्टॉक नॉर्मल भी रहता है तब भी आपको 6% के करीबन डिविडेंड मिल जाता है इस, और डिविडेंड वाले स्टॉक को जरूर मैं तो लेके रख लेता हूँ चुपचाप। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे, अब हम इसको देखते हैं कि टोटल प्रमोटर होल्डिंग क्या है, घटी है थोड़ी सी, मतलब जो प्रमोटर उन्होंने घटाया है। म्यूचुअल फंड सेम है अप्रोक्सीमेटली, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लोअर गया है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंक्रीज किया है। क्यों? क्योंकि फॉरेन को पता है, उन लोगों को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट क्या किस दिशा में काम कर रही है और कितना काम कर रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट काफी अच्छा काम कर रही है, तो ONGC, गेल जितनी भी एनर्जी वाली कंपनीज हैं वो काफी अच्छा काम कर रही है और उनको गवर्नमेंट काफी अच्छा यूटिलाइज कर रही है इनका रिजल्ट टू पहले, अभी उनका काफी यूज हो रहा है। आई बिलोंग्स टू वाराणसी, सो वहां पे मैंने देखा कि नदी के किनारे जो शिप चालू की है, बोट्स हैं, उनको उन्होंने गेल ने पावर स्टेशन ही बना दिया, यानी गेल ने पेट्रोल पंप आप बोल सकते हैं कि उन्होंने नदी के अंदर ही पेट्रोल पंप बना दिया, यानी बोट आए भर के जाए। तो अगर वहां पे अभी मैंने एक ही दिखा, कल को अगर प्राइवेट और भी खुले, कुछ और खुल जाए तो बात अलग है, बट अगर वहां पे सोचिए 100 नाव भी है और 100 की नाव रोज कर रही है तो आप समझ सकते हो कि कितना प्रॉफिट कमा सकती है गेल एक शिप से, एक सिटी से। तो ऐसी हर सिटी जो नदियों के किनारे हैं, समुद्र के किनारे हैं, गवर्नमेंट काफी सपोर्ट कर रही है गेल को। अगर आपको पता है कि नहीं पता है आई डोंट नो, बट ONGC ही एक पहला इंस्टीट्यूट था जिसको सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला था, मतलब हमारे PM ने बोला था कि आप पूरा एनर्जी का निकालिए कि पेट्रोल की जगह पे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, तो ये पूरा टास्क इन्होंने ONGC और गेल को दिया था। ये दोनों कंपनी बैकहेंड में काफी स्टार्टअप को भी सपोर्ट कर रही है, और स्टार्टअप को सपोर्ट करना मतलब उसमें इन्वेस्ट भी कर रही है। अब ये कैसा नहीं कि केवल गवर्नमेंट से पैसा ले रही है, ये दोनों कंपनीज अगर आप जाओगे अंदर जाओगे इसके एनालिसिस करोगे तो ये दोनों कंपनीज काफी स्टार्टअप में फंडिंग भी कर रही है। कई बच्चे जो इंजीनियरिंग करते हैं वो जाके वहां पर इंटर्नशिप करते हैं और फिर बोलते हैं कि अगर उनको कोई बिजनेस ओपन करना, उनका आइडिया अगर इनकी मैनेजमेंट को पसंद आता है तो दे इन्वेस्ट मनी टू दीज स्टार्टअप्स। और आपको पता है कि अगर 10 स्टार्टअप में आप पैसा डालते हो तो 8 अगर फेल भी हुए तो 2 स्टार्टअप जो हिट होते हैं वो पूरे पैसे को डबल या ट्रिपल कर देते हैं। सो हमारे इंस्टीट्यूशन ने अपनी थॉट्स बदली है काफी, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट जैसे रहेंगे, बट दे आर गोइंग वेरी अग्रेसिवली इन अ मार्केट राइट नाउ, सो आप लोग उसमें काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं ONGC में, जैसा मैं आपको बताया कि मेरा तो है, प्लस फोरकास्ट भी इनका यही बोल रहा है, और अगर कुछ नहीं होगा तो 6% के हिसाब से डिविडेंड भी आएगा, वो कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप मतलब आज के टाइम पे मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा कुछ ना कुछ डिविडेंड एवरी डे मेरे बैंक अकाउंट में आ रहा है, एवरी डे मेरा चाय पानी खाने का खर्चा मेरा डिविडेंड ही निकाल दे रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ा फायदा होता है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्री हाउस, गोकुल एग्रो, एजिस, स्टील कैश, मैराथन, ये सबको मैंने डबल किया है, ये मतलब ये मेरे पास थे थोड़ा सा और ले लिया है, ये सब 5-5 मतलब रोज का 5% 10% ऐसे ही बढ़ते हैं, तो ये स्टॉक्स को मैं GGT में लगा के रख देता हूँ, छोड़ देता हूँ, ये पढ़े हैं जितना बढ़ना है। हाँ, इसमें इन्वेस्ट बहुत कम करता हूँ, तो वैसा चाहे तो प्लीज मेरे वीडियोस को इम्प्रूव करने में मेरा साथ दीजिए। ये पूरे इन्वेस्टमेंट हैं जिनको आप देख सकते हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड इन्वेस्ट कीजिए। पैसा इन्वेस्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। एटलीस्ट 10% ऑफ योर अर्निंग इन्वेस्ट, आपके 10% को इन्वेस्ट कीजिए जो भी आपकी अर्निंग होती है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, आप सबका दिन शुभ हो।